एडवोकेट भानु प्रताप जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इस समय वर्तमान हालत में जो रिजर्वेशन और प्रमोशन की जो बात चल रही है उसका वर्तमान स्थिति सुप्रीम कोर्ट में क्या है। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और समाज के जो बातों को आप आगे बढ़ाते हैं, इस समय जो वर्तमान हालत है जो रिजर्वेशन और प्रमोशन की, वो किस प्रकार से चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए, जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में है सुप्रीम कोर्ट में, या अगर हम उससे आगे भी बात करें तो संसद में है, लोकसभा में बिल जो है अभी पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, पड़ा हुआ है, जब तक होगा नहीं दोनों सदनों में पास तब तक कुछ नहीं होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट तो धीरे धीरे अपनी कलम से ही रिजर्वेशन खत्म करती चली जा रही है, प्रमोशन में भी और उसमें भी सारा सब कुछ। जो आप पीछे के जजमेंट देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो भी सारे जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन उसको खत्म करती जा रही है। और शायद इसीलिए जो है राज्यसभा में बिल लाया गया था, संसद में पास होने के बाद हो जाए तो फिर से ये शुरू हो, लेकिन हुआ तो है नहीं अभी। और जहाँ तक सर इसके अलावा एक और बात है, एक और बड़ी गंभीर बात हो रही है कि अदालत के माध्यम से रिजर्वेशन को दूसरी तरह से भी खत्म किया जा रहा है। जैसे पहले अगर कोई व्यक्ति चुन के आता था और रिजर्व कैटेगरी का होता था, लेकिन अगर उसके नंबर जनरल में भी आए हुए हैं, जनरल से भी बढ़िया आए हुए हैं, तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करके उसको सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसको जनरल सीट से सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि बेशक उसके नंबर कितने बढ़िया हों तो उसको केवल और केवल अपनी रिजर्व की सीट से ही उसको सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब यह है कि समाज को जो बदलने की प्रक्रिया जाए, या जो हमारे संविधान के निर्माता थे या संविधान सभा थी, जो उसकी भावना थी और जो हमारी प्रीएम्बल है संविधान की, उसमें जो मूल भावना है उसके विपरीत ही काम हो रहा है। भाई समाज को इसीलिए कि भी अगर कोई व्यक्ति काबिल है उसे काबिल बना के उसे आगे लाया जाए, और ताकि फिर किसी को भी रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े, इस तरह की काम किए जाए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। तो माना जाए कि जो अनंत कुमार हेगड़े जी ने बोला था कि हम तो जो आए हैं वो संविधान चेंज करने के लिए आए हैं, वो खरे उतर रहे इस बात पर? नहीं, हाँ बिल्कुल, सारा काम ही उनका ये हो रहा। अनंत हेगड़े ने तो कह दिया तो हमें पता लग गई, अन्यथा भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का तो सीधा का सीधा एजेंडा यही है कि इस संविधान को खत्म करके मनु का जो संविधान है उसे लागू किया जाए। पर अगर आज प्रैक्टिकल में भी देखें तो संविधान जरूर है हमारा, लेकिन काम सारे वही हो रहे हैं जो मनुवाद के हिसाब से, मनु के संविधान के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं वो। तो उनकी तो रणनीति है कि हर सूरत में हमें मनु का संविधान स्थापित करना है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहूंगा, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, तो हर सूरत में भाजपा की इस चाल को कामयाब न होने दें, और 2019 के चुनाव में भाजपा सरकार को इस देश से खत्म करें।